गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आए हैं हम अपनी अम्मी के घर पे। तो बच्चों को स्कूल से लेके इधर ही आ गए थे हम लोग अम्मी के घर पे आज। तो अभी हमने खाना वाना खाया दोपहर में, और बच्चे जो हैं इस वक्त आराम कर रहे हैं, और आज हमें बना के दे रही हैं अम्मी चाय अपने हाथों से। और हमारे लिए बन रही है दालचीनी की चाय, बहुत ही मज़ेदार सी। तो अम्मी का भी इस वक्त गला खराब हो रहा है, और अम्मी कह रही थी दालचीनी की चाय बनाते हैं, तो चाय हमारी तैयार हो रही है। वो आज हमें अम्मी चाय बना के पिला रही हैं, अम्मी के घर पे आए हुए हैं। तो इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और अम्मी बना रही हैं हमारे लिए चाय। तो अम्मी कौन सी चाय बना रहे हो? दालचीनी वाली चाय बना रही हैं। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा खोल दी है, कम कर दो थोड़ा। तो अम्मी दालचीनी की चाय हमें पिला रही हैं। मौसम भी थोड़ा चेंज हुआ, अम्मी कह रही है कि दालचीनी वाली चाय पियो, सब गले साफ होंगे सबके। तो अम्मी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। तो आज अम्मी के हाथ की हम चाय पी रहे हैं, और खाना वाना अभी हम सब ने खाया है। तो खाने के बाद अभी चाय बना रही हैं अम्मी हमारे लिए। चाय का कलर कितना अच्छा लग रहा है, और अभी ये सिर्फ बॉयल होने ही वाली है। इधर अम्मी कप धो रही हैं, अभी कप वॉश कर रही हैं, तो अभी हम लोग पीने लगे हैं चाय। अभी ये चाय फेंटी जा रही है। नानो से कह रहा है कि नानो मैं भी चाय पी सकता हूँ। गला खराब है। अच्छा, तो आप पी लेना, थोड़ी सी पी लेना आप भी। मौसम ऐसा हो रहा है कि चाय पीने को बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था, तो फिर अभी जो है वो चाय बन रही है। आज तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और सर में भी काफ़ी दर्द हो रही थी इस टाइम। तो ये देखिए, बड़े बड़े से कप हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं चाय के। कराची का मौसम ऐसा है कि चाय पिए बगैर इंसान रह नहीं सकता। तो अभी जैसन चाय पी रहा है। जैसन ने भी अपनी नानों से चाय ली है, कह रहा है मेरा भी गला खराब है। जैसन कैसी बनाई है चाय नानों ने? बहुत अच्छी है। जैसन को हम थोड़ी बहुत चाय दे देते हैं, इसके गले का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर्स ने हमें बोला हुआ था कि इसको थोड़ी चाय पिलाया करें, इसलिए मैं अक्सर इसको थोड़ी बहुत चाय दे देती हूँ। अब खुदा का शुक्र है जैसन ठीक है। डॉक्टर ने बोला था कि टॉन्सिल्स हैं इसके गले में। हाँ, डॉक्टर ने तो हमें बोला था कि ऑपरेशन करवाएं, लेकिन खुदा का शुक्र है जैसन हमारा दुआओं के साथ, प्रेयर्स के साथ जो है वो ठीक है। पहले तो ये रोटी भी नहीं खा सकता था, और ना इससे पानी पिया जाता था, ये बहुत रोता था। अब खुदा का शुक्र है ये ठीक है, और ये अब खाता पीता है बगैर ऑपरेशन के। खुदा ने इसको शिफा दी है, तो खुदावंद का शुक्र है। हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, हमने सिर्फ प्रेयर्स की थी, तो हमारा बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक है, शुक्र है खुदा का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हैं अम्मी सेवइयाँ। तो अभी ये हाथ वाली सेवइयाँ बन रही हैं, ये देखें, ये ऐसे बनती हैं हाथ से, और ये मैदे से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये बनी हुई हैं सेवइयाँ जो बना बना के यहाँ रखी। ये देखें, जब ये ड्राई हो जाती हैं ना, तो फिर इनको जो है वो भून लेते हैं थोड़ा, फिर इसको पकाते हैं। तो अम्मी अक्सर बनाती रहती हैं, तो अभी ये मेरी बहन के लिए बन रही हैं सेवइयाँ, तो उसको बहुत पसंद है, तो अम्मी उसके लिए बना रही हैं। अम्मी अक्सर हमें बना के देती हैं, तो हमने भी अम्मी से ही बनाना सीखा है, तो हम भी अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। हमारे घर में तो बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। आपको कैसी लगती हैं सेवइयाँ हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं फ्रेंड्स। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।